एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सविता। पेश है रात 9 बजे तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर की। दक्षिण 24 परगना के नोदा खाली के एक पटाखा कारखाने में बुधवार की सुबह विस्फोट होने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के नाम असीम मंडल, अदिति हालदार और काकुली मिद्दा है। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। मृतकों में असीम मंडल पटाखे कारखाने का मालिक बताया गया है। इस घटना में अन्य मृतक कारीगर बताए जा रहे हैं। घटना से स्थानीय लोगों में आतंक फैला हुआ है। विस्फोट की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। 19 दिसंबर को कोलकाता नगर निगम का चुनाव है। इसके लिए पिछले 3 दिनों से नामांकन दाखिल प्रक्रिया चल रही थी, जो बुधवार को खत्म हो गई। कल स्क्रूटनी है तथा नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर को है। बुधवार को अंतिम दिन तृणमूल, भाजपा, कांग्रेस, वाम मोर्चा के उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। मजेदार बात यह रही कि ऐसे कई उम्मीदवार अंतिम समय में निर्दलीय प्रार्थी के लिए दौड़ लगाते हुए दिखे। इनमें रतन मालाकार, अनिमा मुखर्जी मुख्य नाम है। पेश है खास रिपोर्ट। क्या अभी एम आमार मैं हमार निजे खूब कष्ट हे हमें निर्दल को दाड़ा प्रचुर कष्ट हंतु हमार अभी भेवेल देखो अपनारा जान आज के लास्ट डेट वोजन आज के दिलम अभी अनेक दिन चिंता करो हमार मानु हमारे एलकार मानूष प्रचुर मानूष तला प्रचुरे कष्ट पे तो तर तो चुनावी प्रक्रिया में आज नॉमिनेशन मेरा समाप्त हुआ है। अभी हम लोगों ने किया है। मैं इतना कह सकता हूं कि जिस ढंग से जनता का उत्साह देखा जा रहा है, अगर फेयर इलेक्शन हो गया, राज्य सरकार ने शांतिपूर्ण मतदान करवाया, कलकत्ता पुलिस ने संवैधानिक अपने अधिकार को प्रयोग करते हुए संविधान की अगर रक्षा की, तो इस बार निश्चित तौर पर जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट बनाने जा रही है। देखो जेको निर्वाचन प्रतिद्वंदी जतई दुरबल हो योद्धा हिसाब से सीरियसली युद्ध करो तरह पुरोपुर शक्ति दिए लड़ाई कर। नेताजी इंडोर स्टेडियम में बुधवार को कई हैवीवेट उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इनमें कांग्रेस से संतोष पाठक, उत्तम सोनकर, तृणमूल से सावरमल अग्रवाल, स्वयं प्रकाश पुरोहित, पूजा पांजा, भाजपा से विजय ओझा, मीना देवी पुरोहित व अन्य कई शामिल है। पेशे वरिष्ठ पत्रकार सोनू ओझा की खास रिपोर्ट। कोलकाता नगर निगम के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी हो चुकी है। सुबह से ही बचे हुए उम्मीदवार जो उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, इस वक्त नेताजी इंदौर स्टेडियम में शामिल कर रहे हैं। यहाँ कई उम्मीदवार आ गए, कल का नामांकन दाखिल करने के लिए समय पूरा हो गया, फिर भी कुछ उम्मीदवार अभी भी भीतर है, क्योंकि कुछ ही देर में अपनी प्रक्रिया को पूरी करके बाहर आने वाले हैं। 19 तारीख को कोलकाता के चुनाव होने वाले हैं। भाई वार्ड है, कोई लड़ाई नहीं, क्यों सेवा करनी, लॉकडाउन गलो अम्फान गलो क्यों छिलो ना, नोबडी जरा जानिए जे तारा क्यों छिलो ना, खबर देबेन अपनारा। हम यदि मिथ्ये कथा बोली अपनारा बोलबेन, मिथ्ये कथा बोलबो ना। जरा लड़ाईते आछे तारा एकजनो क्यों, लॉकडाउन 2 बछर चललो तारा एकजनो छिलो ना। ये काम किसका है, ये तो विधायक का काम नहीं है, ये तो पार्षद का काम है। वार्ड में साफ सफाई हो, आप पूरे कलकत्ता में देखिए दूसरे वार्डों की क्या स्थिति है, मगर वार्ड नंबर 22 सबसे खराब स्थिति में है। उसको सुधारने के लिए दीदी का निर्देश है कि इस बार वहाँ बदलाव चाहिए हमें, और कुछ नहीं। ये मैं सोनू ओझा कैमरामैन विजय के साथ कोलकाता नेताजी इंडोर। एक नजर जिलों की खबरों की ओर। भाजपा विधायक तथा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हजारों सनातनियों के नेतृत्व में बांग्लादेश में मूर्ति के विध्वंसन तथा लोगों की हत्या के विरोध में जुलूस में शामिल हुए। यह जुलूस पूर्व मिदनापुर के काथी में निकाली गई थी। से लगातार सेव ड्राइव सेव लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी 1 दिसंबर को राज्य पुलिस द्वारा सेव ड्राइव सेव लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर विधान नगर पुलिस द्वारा आज सॉल्ट लेक के कर्णामय से बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली का नेतृत्व विधान नगर के DC ट्रैफिक इंदिरा मुखर्जी ने किया। माने 31 जनवरी अवधि राज्य प्रत्येक जिला एवं कमिश्नरेटे सेफ लाइफ सेफ ड्राइवर कर्मसूची हमारे आज के एखान शुरू हलो। आपनारा जानें सेफ ड्राइव सेफ लाइफ माननीय मुख्यमंत्री एक पेट प्रोजेक्ट,
যেখানে মানে এই কর্মসূচির জন্য কিন্তু গত পাঁচ বছরে আমাদের প্রচুর অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু কমেছে এবং আমাদের লোকজনের মধ্যে পথ নিরাপত্তা নিয়ে যে সচেতনতা সেটাও কিন্তু বেড়েছে। দেশ দুনিয়া কি খবরে কি ওর এক নজর। राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर बुधवार को भी संसद हंगामे भरा रहा। संसद के दोनों सदनों की शुरुआत हंगामे से हुई, इस कारण राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इसी तरह से लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हंगामा हुआ तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला गुस्सा हो गए। उन्होंने विपक्षी नेताओं से कहा कि वे सदन में आकर हंगामा करते हैं लेकिन बाहर जाकर बयान देते हैं। यह कहते हुए ओम बिरला सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और कुर्सी छोड़कर चले गए। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफी और टीवी के चर्चित पर्सनालिटी शक्ति मोहन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। डांस फ्लोर पर तहलका मचाने वाले शक्ति अब अपने बोल्ड अवतार से सनसनी मचा रही है। शक्ति मोहन ने इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ तस्वीरें साझा की जिसमें वह बेहद ही हॉट अंदाज में नजर आ रही हैं। गुरुवार का दिन गुरु पूजा के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को उपवास रख के गुरु भगवान की स्तुति का पाठ करने से वे प्रसन्न होकर सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। महानगर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।